जयपुर से बड़ी खबर, नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। मानसरोवर इलाके की घटना है। परिचित युवती के बॉयफ्रेंड ने ही देर रात की वारदात को घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने सेवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मानसरोवर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। यानी कि जिस महिला ने आरोप लगाया है उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसके साथ ये घटना की है। अब बेहद खास है जानना कि आखिर किस तरीके से ये महिला अब आगे जानकारी देगी, कब से वो एक साथ थे और बॉयफ्रेंड जो है उसकी मानसिक स्थिति उस वक्त क्या थी। सत्यनारायण सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सत्यनारायण, जरा इस पूरे मामले को समझाइएगा, क्योंकि युवती ने अपने बॉयफ्रेंड पर ही ये दुष्कर्म का आरोप लगा दिया है। देखिए, जो आरोपी है सेवक उसका नाम बताया जा रहा है, वो युवती का बॉयफ्रेंड ही है। लेकिन बीती रात कुछ नशीली चीज जो आरोपी ने खिलाई है, खिलाने के बाद में गाड़ी के अंदर दुष्कर्म किया और उसके बाद में उसको उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ के मौके से फरार हो गया। तो फिलहाल जो पीड़िता है, जब उसको होश आया तो थाने पहुंची है। उसने थाने पहुंचकर पूरी आपबीती बताई है और जो आरोपी बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सेवक है उसके खिलाफ मामला दर्ज करा है। लेकिन फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद में जो आरोपी है वो फरार हो चुका है। ऐसे में टीम का गठन किया गया है जिससे कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जा सके। पता चल पाया है कि वो जो युवक का नाम सेवक बताया गया है वो कहाँ का है और क्या काम करता है? देखिए, जयपुर से ही है और दोनों ही कॉलेज में पढ़ते हैं। जो पीड़िता है वो भी कॉलेज में पढ़ती है और जो आरोपी है वो भी कॉलेज में पढ़ता है। दोनों पिछले कई समय से जो दोस्त हैं, फ्रेंडशिप में हैं। और लेकिन रात को जो घटना हुई उसके बाद में पीड़िता ने पुलिस अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है और साथ साथ 164 का बयान पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पूनम, चलिए ठीक है, सत्यनारायण शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो एक युवती जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर थी लेकिन नशीली चीज खिलाकर उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है।